नमस्कार, सत श्री अकाल, वाह वाह, आदाब, स्वागत है आप सभी का अनिल शर्मा एस्ट्रोलॉजी टीवी में। और मैं आज बात करूंगा एरीज राशि के बारे में और मंथ ऑफ अप्रैल ये एरीज राशि वालों के लिए खास तौर पे क्या रहेगा। तो मैं कह दूं आपको कि मंथ ऑफ मार्च में आपने देखा होगा कि सूर्य जो आपके 12th हाउस से डेवेलेटेड मरकरी के साथ गुजर रहे थे वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। और इस सूर्य का ट्रांजिट जो है वो आपको मंथ ऑफ अप्रैल में एनर्जी देने वाला है। आपको एक बार राइज मिलने वाला है, स्टेटस मिलने वाला है, हेल्थ में लाभ तो होगा ही होगा। और साथ ही साथ भाग्य स्थान में बैठे हुए आपके राशिपति यानी कि मंगल किसी यात्रा को भी इंगित कर रहे हैं। अचानक से कोई यात्राओं का सिलसिला भी बनेगा, उसको थोड़ा ध्यान देना है। और साथ ही साथ इस समय के दौरान सेहत के ऊपर आपको फोकस करना है, अपनी एनर्जी को बचा कर रखें क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाली है। तो मैं साथ ही साथ कहना चाहूँगा आपके सेकेंड हाउस की बात अगर करूँ, हाउस ऑफ फाइनेंस की, तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि सेकेंड हाउस में वीनस की राशि और वीनस आपकी लगन में ही बैठे हुए हैं। तो ये दिखा रहे हैं कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, आप धन के बारे में भी चिंता जो है आपको रहेगी, लेकिन धन आपको पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। रिश्ते नातों में जो आपके संबंध हैं उनमें निश्चित तौर पे आप एक बेहतर पोजीशन बनाने में सक्षम रहेंगे। और साथ साथ ये कहना चाहूँगा कि कुछ लोग हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को, आपके स्टेटस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और वहीं वीनस आपको किस कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे कि आपको वो राइज करने में पूरा सहयोग देंगे। तो कुल मिला के ये कहूँगा कि आपका फाइनेंस, आपका स्टेटस, आपकी रेपो बहुत अच्छी रहेगी, खान पान में आपकी रुचि बढ़ेगी, उसका पूरा आनंद लें। वहीं अगर आपके पराक्रम की बात करूँ, आपके सिबलिंग्स की बात करूँ, तो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि आपके थर्ड हाउस में जेमिनी यानी कि बुध जो मंथ की शुरुआत में रेट्रोगेट भी हैं और साथ साथ डिवेलपमेंट भी हैं, लेकिन वो धीरे धीरे करके उनका भी परिवर्तन होगा। तो इस समय भाई बंधुओं का सहयोग आप तो पूरा करेंगे, लेकिन उनकी ओर से आपको शायद वो सहयोग ना मिले जो वो आपसे देख रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी चीज़ आपने करनी है उनके प्रति, तो थोड़ा सावधानी पूर्वक करें तो उसमें आप सभी का लाभ होगा। और निश्चित तौर पर आपके सिबलिंग जो है वो आपसे लाभ लेंगे, आपके दोस्त जो है वो आपसे लाभ ले पाएंगे। ऐसी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं मैं आपके लिए देख पा रहा हूँ, जो कि एक अच्छी बात भी है आपके लिए। तो जहां तक आपके शुभ स्थान की बात है, तो आपको जैसे पता है कि राहु यानी कि चंद्र की राशि कैंसर राशि में राहु का निवास, राहु जहां पर बैठ के आपके लिए बहुत ज्यादा मैल्फिक रोल प्ले नहीं कर रहे, उल्टा आप के विजन में, आपके ध्यान में कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी को लेके, कुछ ना कुछ गाड़ी की मेंटेनेंस है, थोड़ा रिपेयर है, थोड़ा उसको मॉडिफाई करने की बात है, ऐसी सारी चीज़ें की। वहीं कुछ ना कुछ एजुकेशन के मामले में भी आप कुछ सोच रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल चीज़ें जहाँ कहीं ना कहीं उसमें बदलाव की स्थिति आ रही है। वहीं घर के अंदर का सहयोग कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। माँ के साथ संबंधों में कुछ कटुता आ सकती है, कुछ कड़वाहट आ सकती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन हमेशा की तरह अपनी सुविधा का सबूत दीजिए और अपने अच्छे रिश्तों को बनाए रखिए ताकि आपको उसमें लाभ हो। अगर आपके पंचम भाव की बात करूँ तो निश्चित तौर पर सूर्य इस समय कमजोर स्थिति में है, आते आते वो अच्छी स्थिति में आएंगे, चलते चलते तो जो बच्चों की ओर से कुछ चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, उनको लेके मन परेशान है, अभी शुरुआत में बना रहेगा, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा आपको इन चिंताओं से मुक्ति मिलेगी और आपके बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। अगर आप बच्चों की प्राप्ति की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको 15 अप्रैल तक इंतजार करना चाहिए, उसके बाद बच्चों की प्राप्ति के लिए आपके मार्ग जो है वो खुल जाएंगे, उसमें आपको लाभ होगा। तो कुल मिला के ये कहूँगा कि संतान और संतान से जुड़े हुए विषयों में सफलता के आसार आगे आगे चल के बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी समय जो लोग एजुकेशन में, मैं कहूँगा दुनिया के अलग अलग भागों में, जहाँ मैं कहूँगा कि ईस्टर की हॉलीडेज हो जाएंगी यूके में तो बच्चे फ्री होंगे, लेकिन यहाँ पर भी कहीं दूसरी जगह पे एग्जाम वगैरह हो रहे हैं, आप वीडियो वर्ल्ड वाइड देखते हैं, तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सावधानी पूर्वक रहें क्योंकि कुछ फाइनल एग्जाम होने वाले हैं, तो आपको कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है इसमें बिल्कुल ढीला होने की। तो पूरी पूरी मेहनत करें, अपना बेस्ट जो है उस देने की कोशिश करें, तो लाभ की स्थिति आपके लिए बनेगी। अगर आपके सिक्स हाउस की बात करूँ तो चंद्रमा जो इस समय सिक्स हाउस में है, अपने ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो रोग कारक तो ये दिखा रहे हैं कि कुछ परेशानी, कुछ चिंताएं रहेंगी, कुछ सीजनल प्रॉब्लम है वो रहेंगी, चेस्ट इन्फेक्शन जैसी बातें, कफ आदि हो जाना ये दिखा रहे हैं। वहीं आपको कहीं ना कहीं राइट आई में कुछ ना कुछ जो है कुछ डिफिकल्टीज जो है वो आ सकती है, तो थोड़ा सावधानी
अपनी हेल्थ के बारे में जरूर रखें। और साथ ही ये कहूँगा, काम के सिलसिले में मुश्किलें जो बनी हुई हैं, निश्चित तौर पे ये चंद्रमा आपको सफलता की ओर आगे लेता हुआ लेकर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप इस बात को लेकर चिंतित ना हो कि कुछ बदलाव हो रहे हैं, कुछ फोर्सफुली हो रहे हैं, आपको फोर्स किया जा रहा है। वॉट एवर हैपनिंग अराउंड यू, आपको एक्सेप्ट करना है और आपको आगे बढ़ना है। निश्चित तौर पर सफलता आपके कदम चूमेगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। अगर आपके सेवंथ हाउस की बात करूं तो वीनस एक बार फिर से अपनी ही राशि को लगन से बैठकर, यानी कि आपकी राशि से बैठकर देख रहे हैं इस समय, तो रिलेशनशिप में बॉन्डिंग पहले से मजबूत होगी, यानी कि जो लोग शादीशुदा हैं उनके रिलेशनशिप में पहले से बेहतरी के योग बने हैं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। और जो लोग शादी करना चाहते हैं, जो किसी को चाहते हैं कि कहीं से कोई हमें अच्छा पार्टनर मिल जाए, तो उनके लिए भी रास्ते खुले हुए हैं। दरअसल अगर आपको किसी वेडिंग को अटेंड करने का मौका मिल जाता है तो मैं कहूँगा इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता, तो निश्चित तौर पे आप आगे बढ़े और इसका पूर्ण लाभ लें। वहीं पार्टनरशिप के नए योग बने हुए हैं, कुछ नया आप करने की सोच रहे हैं और उसमें किसी तरह की पार्टनरशिप का कोई विचार आपके मन में आ रहा है, अगर ऐसा कुछ है तो मैं कहूँगा कि ये हम बिल्कुल निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यह स्थिति आपके लिए लाभदायक और भाग्यवर्धक रहेगी। अष्टम भाव की बात करूँ तो मंगल शनि के साथ भाग्य स्थान में बैठे, इसका मतलब जो अष्टम भाव है वो भाग्य से जुड़ा हुआ है, तो जोखिम रहेगा, कुछ चीजें आपको परेशान कर सकती हैं, जैसे मैंने कहा कि जॉब में या प्रोफेशन में करियर वाइज कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, हेल्थ को लेके कुछ टेंशन हो सकती हैं, क्योंकि लेकिन भाग्य के साथ इसका संबंध बन गया, इसलिए भाग्य भी कुछ मुश्किलें पैदा करने में करेगा, लेकिन क्योंकि मंगल उसमें आपके राशिपति बैठे हैं तो निश्चित तौर पर आप अपनी सूझबूझ के साथ इस कमियों को दूर करने में कामयाब हो जाएंगे और आपका भाग्य आपकी मुश्किलों को हराने में कामयाब होगा। और वहीं भाग्य स्थान की बात करूं तो निश्चित तौर पे जुपिटर जो आपकी कुंडली में इस समय है वो बहुत ही एक अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं, जैसे कहें कि उनका जो संबंध है सेवंथ हाउस में, तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप के माध्यम से भाग्य का लाभ हुआ, किसी के सहयोग से आप आगे बढ़ पाएंगे और ये सहयोग आपके लिए जरूरी भी। आप यूं ही मतलब अकड़े ना बैठ रहे, अकड़ू खां मत बनिए, आप अपने अंदर सहजता लेके आइए, आप अपने अंदर चेंज को लाने की कोशिश करिए और जो आप कर लेते हैं तो मुझे लगता है अगर इस समय के दौरान आप करेंगे तो निश्चित तौर पे इसमें आपको लाभ की स्थिति बनेगी। और अगर मैं बात करूं आपके कर्म स्थान की तो शनि जो नाइन्थ हाउस में बैठे हुए आपके कर्म स्थान के कारक हैं, तो भाग्य और कर्म आपस में मिले हुए हैं, बस भाग्य साथ दे रहा है, आपको कर्म में पूरा देना है, आप निराश ना हो, क्योंकि शनि की एक बात होती है कई बार कुछ चीजें जब उथल पुथल होती है, कुछ चीजें रुक जाती है तो आप उदास होना शुरू करते हैं। मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं, आपको उदास नहीं होना है, मंगल अपनी एनर्जी के साथ आपको पूर्ण लाभ देगा और निश्चित तौर पर आप अपने बलबूते पे अपनी कामयाबी को हासिल कर लेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। वहीं लाभ स्थान का कारक शनि भी है और ये भाग्य लाभ स्थान और कर्म स्थान का राशिपति का आपस में ऐसा एक योग बना है कि आपके ऊपर सारा दारमदार है कि आप अपनी किस्मत को, अपने भाग्य को, अपनी सक्सेस को किस तरह से देखते हैं और ये आपके एफर्ट्स होंगे। अगर आपने अच्छे एफर्ट्स बनाए तो कौन है जो आपको रोक सकता है, नदी के प्रवाह को कोई नहीं रोक सकता, तो आपको इस समय वो बहती हुई नदी, निर्मल शीतल नदी बनके चलना है, यानी कि अपने विचारों में गुस्सा कम लेके आना है, चलते रहने की प्रवृत्ति बनानी है और रिजल्ट चाहे कुछ भी हो जीत आपकी होगी। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप परिस्थितियों को, कंडीशन को, सर्कमस्टांस को अपने अनुकूल बनाने में कामयाब हो जाएंगे, जो आपकी विजय श्री का एक रास्ता बनाएगा। और जहां तक ट्वेल्थ हाउस की बात है तो ट्वेल्थ हाउस में जैसे मैंने कहा कि सूर्य और बुध, सूर्य कमजोर है पंचम भाव का कारक होकर, बुध डिवेलेटेड हो चुका है आपके पराक्रम का है, तो ये निश्चित तौर पर उदासी देगा, कुछ ऐसी चीजें अकस्मात आपके सामने आएंगे जो आप नहीं चाहते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि तैयार रहें और आज जो बदलाव हो रहा है आपके जीवन में, आपके इस वर्तमान में, वो निश्चित तौर पर आने वाले समय में आप उसके बेनिफिट लेंगे, इसलिए निराश होने की बात नहीं है। छोटी यात्राओं के लिए तैयार रखें, अचानक से यात्राएं होंगी। कुल मिला के ये कहूंगा कि मंथ ऑफ अप्रैल कुछ चैलेंजेस हैं इसमें, कुछ बाधाएं जरूर हैं, लेकिन आपकी अपनी मेहनत, आपके अपने एफर्ट इन बाधाओं को दूर करने में बहुत बहुत आपका साथ देंगे, बस आप मेहनत करते चले जाएं। उपाय के रूप में तो हम कहूंगा सूर्य उपासना इस समय, क्योंकि सूर्य आपके सबसे कारक जैसे कहें आपके त्रिकोणाधिपति हैं, अगर आप सूर्य उपासना यानी कि सूर्य को जल दें तो निश्चित तौर पे आप इन मुश्किलों से बाहर निकल पाएंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो निश्चित तौर पे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे और बात करूंगा आपसे आपके मई महीने की राशिफल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।